Hello everyone, I'm Dr. Shweta Amit Bhandari. I'm a homeopath. I'm practicing in Nasik since 8 years and I'm here to share with you 11 days gratitude challenge जिसमें से आज है day 9. I'm happy कि आप सारे अपने activities के images को group में post कर रहे हो, सब लोग उनको like कर रहे हैं, comment कर रहे हैं, तो ये एक beautiful family के form में form होते जा रहे हैं. This community is spreading lot of positivity and happiness. So I'm happy that you are part of this. Today is day 9. So today is day 9 of 11 days gratitude challenge. I welcome you all. हम लोगों ने first day पे किया था gratitude to life. राइट सेकेंड डे पे ग्रैटिट्यूड टू इकोसिस्टम जिसमें आपने ट्री को हग किया था राइट उसके बाद ग्रैटिट्यूड टू एलिमेंट्स दैट गिव यू लाइफ फूड एंड वाटर उसके बाद ग्रैटिट्यूड टू हेल्थ जिसमें हम लोगों ने एक मेडिटेशन किया था उसके बाद ग्रैटिट्यूड टू वर्क जिसमें आपने वर्क प्लेस पे अलग अलग चीजों को टच करके उनको ग्रैटिट्यूड दे के उनकी एक एनर्जी वाइब्रेशन को अलग वे से वापस से रीसेट किया था उसके अलावा हमने किया था ग्रैटिट्यूड टू मनी जिसमें आपने अपने लॉकर पे या वॉलेट में एक अफर्मेशन स्टिक किया है जिससे आपको कॉन्स्टेंटली याद रहे एरिगेटो इन एंड एरिगेटो आउट राइट उसके अलावा हमने किया था ग्रैटिट्यूड टू रिलेशंस जिसमें हमने इंटीमेट रिलेशनशिप के 6 रूल सीखे थे उसके बाद ग्रैटिट्यूड टू कंफर्ट एंड सिक्योरिटी जो हमको हमारा घर और क्लोथ्स देते हैं राइट टुडे इज डे 9 डे 9 इज अबाउट ग्रैटिट्यूड टू पीपल हु मेक आवर लाइफ इजी कंफर्टेबल एफर्टलेस सो टुडे इज द डे टू थैंक देम आज एक मोमेंट लीजिए जैसे आपकी लाइफ में आपके जो सपोर्टिंग पीपल है आपको जो सराउंड करते हैं कॉन्स्टेंटली वो कोई ना कोई वे में आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ को इजी बना रहे हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ हमको हेल्प करने वाले कौन रहते हैं जो सुपर हीरो स्पाइडरमैन ना बैटमैन जो एक केप लगा के उड़ते हैं यहाँ से वहां लोगों की हेल्प करते हुए बट वैसे उनके अलावा विदाउट केप वाले हमारे सोसाइटी में हमारे आजू बाजू कॉन्स्टेंटली ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कोई ना कोई वे में हमको सपोर्ट कर रहे हैं हमको हेल्प कर रहे हैं देखिए वी बीइंग अ सोशल ह्यूमन बीइंग्स वी आर सोशल एनिमल यानी हम सोसाइटी में रहते हैं जिसमें हमारे जैसे ही लोग रहते हैं वी आर सम वे और द अदर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर और जब हम इंटरकनेक्टेड है तो कॉन्स्टेंटली हमको भी उनकी नीड है और उनको भी हमारी नीड है तो इट इज अ काइंड ऑफ गिव एंड टेक व्हाट वी आर डूइंग कॉन्स्टेंटली जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल्स भी आते हैं जैसे इस बच्चे को आ रहे हैं तो वी हैव अ पर्टिकुलर हेल्पर फॉर दैट जो अपनी लाइफ को इजी बनाते हैं ये जो है इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्पर क्योंकि ये कम्युनिटी की लाइफ को इजी बनाते हैं बीइंग हेल्पिंग देयर और बीइंग प्रेजेंट देयर तो ये बाकी सुपर हीरोज जैसा केप पहन के तो नहीं उड़ते बट टुडे इज द डे टू थैंक देम टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर देम टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर छोटी छोटी चीजें वो आपकी लाइफ में कर रहे हैं बट वो एक बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में ला रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए आप थोड़ा सा पीछे बैठ जाइए और अपनी लाइफ की जर्नी में जाइए जैसे जैसे मैं जो जो लोगों का नाम ले रही हूँ आपके आजू बाजू उनके फेसेस आपने कभी ना कभी देखे होंगे कभी ना कभी आप उनको मिले होंगे तो एक मोमेंट लीजिए जब जब मैं ये सारी चीजें बोलूँ आप उनको याद कीजिए उनको एक थैंक देने की कोशिश कीजिए उनको एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस मन के मन में कीजिए जब मैं ये सारी जर्नी से आपको लेके जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सुबह उठते हो आपके उठने से पहले कुछ लोग उठ के आपके सोसाइटी को क्लीन करते हैं आपके घर में जो गार्बेज बना है उसको कलेक्ट करने के लिए कुछ लोग आते हैं द स्वीपर्स द गार्बेज कलेक्टर आप कभी बाहर जाते हो आप चिप्स खा के प्लास्टिक फेंक देते हो आप बॉटल फेंक देते हो तो वो भी कलेक्ट करने वाले कोई ना कोई लोग है आप ही सोचिए अगर वो नहीं रहते तो आपकी सोसाइटी किस टाइप की रहती कितनी स्टिंगी रहती कितनी खराब रहती तो दिस आर द पीपल जिनकी तरफ कभी कभी लोग अगली लुक देते हैं ना दिस आर द पीपल हु आर क्लीनिंग योर सोसाइटी इसीलिए वो अगली दिखते हैं सो टुडे इज द डे टू थैंक देम and them to cleaning your society. उसके बाद जब आप सुबह उठते हो समझो दूध लेट आता है तो आपका एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है सो टुडे इज द डे टू थैंक दैट मिल्कमैन जो आपको रोज कंसिस्टेंटली विथ ऑल द डेडिकेशन एंड इमोशंस आपके घर तक दूध को पहुंचा रहा है सो टुडे इज द डे टू थैंक दैट मिल्कमैन टू मेक योर लाइफ ईजी हेल्दी उसके अलावा आपके वेजिटेबल वेंडर्स है जिसके पास से आप वेजिटेबल्स लेते हो
फ्रूट्स लेते हो, वो फ्रूट्स जो आपको हेल्दी बनाते हैं, आपकी बेसिक नीड है वो लेना. तो टुडे इज द डे, भले ही आप पैसे दे रहे हो, अनडाउटेडली आप पैसे दे रहे हो, वो आप वो चीज ले रहे हो उसके बदले में उनको पैसे दे रहे हो, बट जो एफर्ट्स, जो डेडिकेशन, जो सर्विस वो आपको दे रहे हैं ना, दैट इज बियॉन्ड मनी व्हाट दे आर गिविंग. ये आपको लॉकडाउन में बहुत अच्छे से रियलाइज हुआ रहेगा. जो आपके आजू बाजू के लोग हैं वो आपको किस वे में सर्व कर रहे थे, जब सब कुछ बंद था ना, और एक चीज अगर आपके घर में कमी है तो आपको आज उसकी इम्पोर्टेंस जरूर फील होगी. उसके अलावा बास्केट मेकर, पहले के लोग चीजें अपनी बास्केट में रखते थे, आज हम लोग प्लास्टिक मेटल कंटेनर्स में रखते हैं. जब भी आपको कंटेनर को निकालते हो, फील ग्रेटिट्यूड फॉर दोज पर्सन हु मस्ट हैव मेड दैट. उसके अलावा पॉटर, जैसे आपके घर में पॉट है, आप पानी भरते हो उसके अंदर, आप कोई ना कोई वे में इस चीज को यूज करते हो, तो टुडे टेक अ मोमेंट टू फील ग्रेटिट्यूड कि उस जिसने उसको बनाया है, उसकी स्किल को उसने ये पॉट में उतारा है. उसके अलावा जैसे कल हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड फॉर क्लोथ्स फील किया था, जैसे वो कॉटन से लेके उसको जब विनिंग जीनिंग जो प्रोसेस से होके वो डिजाइनर के हाथ में जाता है, वहां से बन के मार्केट में आता है टू द शॉप पर्सन, उससे आपके घर में, तो एक लंबी जर्नी करके वो आपके घर में आ रहा है, इतने सारे लोगों के एफर्ट से वो आप तक पहुंचाने में. तो टुडे फील ग्रैटिट्यूड फॉर योर क्लोथ्स यू आर वियरिंग और उन सब लोगों के लिए जो इस प्रोसेस में पूरे इन्वॉल्व थे. उसके अलावा एक पर्सन जो आपके क्लोथ्स में इन्वॉल्व है वो है टेलर, जिससे आप अपने हिसाब से अपने वैरायटी के अपनी स्टाइल आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को वो हेल्प करता है बाहर आने के लिए. सो टुडे फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट टेलर ऑफ योर्स. जब आप दिन भर कपड़े पहन के उनको खराब करते हो, आपके घर में एक पर्सन है जो उनको क्लीन करता है, उनको धोता है. सो टुडे इज द डे टू फील ग्रैटिट्यूड टू द वॉशरमैन या वॉशर वुमेन आपके घर में है. उसके अलावा बहुत सारे लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस तो पक्का लॉकडाउन में फील हुई होगी, जब बार्बर्स अवेलेबल नहीं थे तो कुछ लोगों की हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी. तो टुडे उनका इम्पोर्टेंस, हर बार हर पर्सन का इम्पोर्टेंस उसके एब्सेंस में फील होने से अच्छा है, आज एक मोमेंट लीजिए उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए. उसके अलावा जैसे हम लोगों ने फूड का सेक्शन में किया था कि फूड एक बहुत लंबी जर्नी करके आपके पास आ रहा है, आप ही सोचिए, आप एक करके देखिए टास्क. आप एक पालक या स्पिनिच का बीज लगाइए, आप देखिए उसको ग्रो होने के लिए 15 से 20 डेज लगते हो, उससे ज्यादा बट कम नहीं. आप उतना पेशेंस रख पाते हो क्या? तो सोचिए ये फार्मर अपनी क्रॉप्स को ग्रो होने का पेशेंस रखता है, उनकी केयर लेता है, उनका ध्यान रखता है, वो आप तक उस वे में अच्छे से पहुंचाता है ताकि आप उसको खा सको. तो आप सोचिए उसके पीछे कितने लोगों के एफर्ट्स लग रहे हैं. तो फील ग्रेटफुल फॉर द फूड यू आर ईटिंग एंड फील ग्रेटफुल फॉर एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन दिस फ्रूट या वेजिटेबल जर्नी ऑफ योर्स. उसके अलावा जब आप शूज पहनते हो, आप बाहर निकलते हो, आपके पास एक रैक है जो फुल ऑफ शूज एंड फुटवेयर्स है, कि आप अपने ड्रेस के हिसाब से उसको मैच करके पहनते हो. बहुत बार आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से उसको मैच करके पहनते हो, आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपने फुटवेयर्स को पहनते हो, राइट? तो आप जब शूज पहनोगे नेक्स्ट टाइम, तो आप वो कॉबलर को जिसने ये बनाया होगा या जिसने उसको ठीक किया होगा, आप उनको आज ग्रैटिट्यूड दीजिए. उसके बाद आप कभी आपने अगर बस में ट्रैवल किया होगा तो बस का ड्राइवर है, कंडक्टर है, आपके बच्चे अगर स्कूल में जाते हो बस से, तो टुडे इज द डे टू फील ग्रैटिट्यूड. पॉसिबल हो तो आप उनको एक्सप्रेस भी कीजिए ग्रैटिट्यूड. आपको उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन दिखेगा ना, दैट विल बी प्राइसलेस. क्योंकि आप फीस देते हो, बट उनके एफर्ट्स जो वो आपके बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाने का, उसके लिए आप पे नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बस के लिए पे कर रहे हो. तो आप सोचिए कितने एफर्ट्स वो कितना डेडिकेटेडली आपके लिए काम करे. फील ग्रैटिट्यूड फॉर देम टूडे. आपके हर किसी की लाइफ में, भले आप बस में नहीं बैठे हो, बट आपके लाइफ में एक टीचर तो पक्का होगा जिसने आपको मोल्ड किया है, जिसने आपको नॉलेज दिया, जिसने आपको स्किलफुली आज आप जो हो वो बनाया है. तो आपके फेवरेटेस्ट टीचर को याद कीजिए और उनको आज आप थैंक यू बोलिए मन ही मन में. उसके अलावा आप एक चेयर पे बैठे हो, आपके आजू बाजू फर्नीचर है जो आपकी चीजों को जगह पे रखने में हेल्प कर रहा है, तो जो कारपेंटर ने उसको बनाया है उसको आज आप थैंक यू बोलिए. आप सोचिए आपकी लाइफ इजी करने के लिए, आप ही सोचिए कितने सारे लोग कॉन्स्टेंटली वर्क करें. आपके घर में टेबल है, आपके घर में चेयर है, आपके घर में कबर्ड है, आप सब चीजों को जो जगह पे रख रहे हो, दैट इज जस्ट बिकॉज इसका जो आर्ट है, इनका जो स्किल है, उसकी वजह से आपकी घर ब्यूटिफाई करी, आपके घर के लिए एप्रिसिएशन मिल रहा है. तो इनडिरेक्टली दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, द कारपेंटर इज रिस्पॉन्सिबल कि आपको इतना उसकी वजह से लाइफ ईजी हो रहा है. तो फील ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. उसके अलावा आपके घर को ब्यूटिफाई करता है आपका गार्डनर, जो आपके गार्डन का ध्यान रखता है, उसकी नॉलेज के हिसाब से वो चीजों को कट करता है,
चीज़ों को ब्यूटिफाई करता है, उनको पानी देता है, बहुत सारे एफर्ट्स लेता है, बहुत पेशेंस रखता है, केयर लेता है और वो सब चीज़ों को ग्रो करने में हेल्प करता है. तो फील ग्रैटिट्यूड फॉर योर गार्डनर टूडे. फिर आप ब्लैकस्मिथ के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो. आप छोटी छोटी चीज़ें घर में कॉन्स्टेंटली यूज करते हो, फ्रॉम हैमर टू नट्स टू द नाइफ यू आर यूजिंग. एक नाइफ भी जगह पे नहीं होना तो पूरा हमारा सिस्टम चेंज हो जाता है. सो टुडे फील ग्रैटिट्यूड फॉर द पर्सन हु मस्ट हैव मेड इट. फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन, पॉसिबली विजिट देम. फील ग्रैटिट्यूड फॉर द पुलिस मैन हु इज मैनेजिंग द ट्रैफिक. अगर वो नहीं है ना तो आपने देखा होगा अभी इलेक्ट्रिक ट्रैफिक पोल जरूर आ गए, बट कभी कभी अगर आपने पहले के दिनों को आपको याद किया तो अगर अब वो नहीं है ना जगह पे तो आप देखोगे कितना मेस हो जाता है. जो जगह पे आपको पहुंचना है उसमें कितनी देरी हो जाती है. तो उसका ये एक हाथ ऊपर करना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए. तो फील ग्रैटिट्यूड फॉर हिम टूडे और हो सके तो बी डू विजिट हिम, गिव हिम समथिंग, गिव हिम अ बॉटल, वॉटर बॉटल टू ड्रिंक. इतना छोटा सा भी आप करते हो ना तो इट विल मेक अ मेजर डिफरेंस, इट विल चेंज हिज कंप्लीट एक्सप्रेशन. तो फील ग्रैटिट्यूड फॉर हिम टुडे. उसके अलावा जो पुलिसमैन की अगर वैन भी आपके साइड से जाती है, अभी फिलहाल तो एम्बुलेंस जा रही है बहुत लोगों के घर के आजू बाजू से, बट अगर पुलिसमैन की वैन भी आपके आजू बाजू से जाती है तो यूजुअली वी हैव अ फियर इन आवर हार्ट and that fear is important. That fear is important to maintain the law and order. जो सोसाइटी में सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर से चल रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज स्ट्रिक्टनेस एंड द फियर विच दिस पर्सन मस्ट हैव केप्ट थ्रू आउट आर सोसाइटी, राइट? तो फील ग्रैटिट्यूड फॉर देम. फील ग्रैटिट्यूड फॉर योर डॉक्टर्स, योर नर्सेस, योर हेल्थ केयर वर्कर्स, योर फिजिशियंस, योर पैथोलैब पर्सन. जो आप लोगों को पैंडेमिक में आपको फील हुआ ही होगा कि कितने एफर्टलेसली, इतने ईजिली आपको ठीक करने में मदद कर रहे थे, बट उसके पीछे उनका कितना बड़ा स्किल और कितने बड़े एफर्ट्स छुपे हुए थे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे. तो टेक दिस मोमेंट टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर दोज वेरी पर्सन हेल्पिंग यू आउट. उसके अलावा जब आप कोई भी ज्वेलरी पहनते हो, इंडिया का फेवरेटेस्ट थिंग है गोल्ड की ज्वेलरी पहनना, बी इट अ मेल और फीमेल. तो आप ही सोचिए, जिसने उसको डिजाइन किया, जिसके दिमाग में वो आइडिया आया, जिसके लिए वो थॉट आया, आपकी बेटी की शादी है तो दैट पर्टिकुलर नेकलेस इज ब्यूटिफाइंग हर, ग्लोरी लाता है वो आपके एक फेस्टिवल को, एक ओकेजन को. सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन हु मस्ट हैव डिजाइंड इट. बी ग्रेटफुल फॉर द पोस्टमैन हु ब्रिंग्स लेटर एंड न्यूज अलग अलग वे से. जैसे आज उनका रोल काफी कम हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बट आज भी पार्सल, कुरियर्स, जो भी पर्सन आप तक आपकी चीजों को लेके आता है, बी ग्रेटफुल फॉर देम क्योंकि वो इजिली आपके घर तक आपकी चीजों को पहुंचा रहा है. उसके अलावा बी ग्रेटफुल फॉर द फायरमैन, भले ही उनका रोल रोज नहीं रहता है क्योंकि फायर रोज नहीं लगती, बट ही इज कॉन्स्टेंटली रेडी कि कब कॉल आ जाए, कब मुझे जाना पड़े. सो बी ग्रेटफुल फॉर द वे ही इज वर्किंग, द वे ही इज सर्विंग यू कॉन्स्टेंटली. बी ग्रेटफुल फॉर द हीलर्स इन योर लाइफ कि वो आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपको हीलिंग प्रैक्टिसेस सिखा रहे हैं. बी ग्रेटफुल फॉर द मोटिवेशनल स्पीकर क्योंकि उनका एक थॉट भी आपका पूरा दिन बेटर कर देता है. तो बी ग्रेटफुल फॉर देम, बी ग्रेटफुल फॉर द वे दे आर सर्विंग यू, दे आर टीचिंग यू, बी ग्रेटफुल फॉर देम. उसके अलावा बी ग्रेटफुल टू द सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर, इन द आर्मी, इन द मिलिट्री, इन द नेवी, जस्ट बिकॉज कि आप इतने आराम से अपने घर में बैठे हो बिकॉज समबडी देयर इज स्टैंडिंग इन द आइस और गर्मी और धूप विद दिस पर्टिकुलर गन इन हिज हैंड. आप ही सोचिए कितना एफर्ट्स के साथ वो काम करते हैं. मेरी लाइफ में कैसा इंसिडेंस था, आई हैड अ स्कूल फ्रेंड की जिसके फादर कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे. ड्रास्टिकली हर लाइफ चेंज्ड फ्रॉम व्हाट शी वाज बिफोर द डेथ एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर. जो उसके इमोशनल, फिजिकल, उसके घर के जो चेंजेस आए ना, दे वर सो वेरी विजिबल. आप ही सोचिए, एक पर्सन आपकी लाइफ से, घर से थोड़े दिनों के लिए बाहर जाता है तो एवरीथिंग गेट्स डिस्टर्ब. आप सोचिए इनकी वाइफ्स, इनके बच्चे किस तरीके से मोल्ड होते होंगे. ये पर्सन अगर वहां पे ड्यूटी दे रहा है तो भी ये लोग अपना घर अच्छे से संभाल रहे हैं. आप ही सोचिए कितनी इनसिक्योरिटी उनके ब्रेन में होगी. कभी कोई पर्सन की शिफ्ट होती है कॉन्स्टेंटली 3-3 मंथ्स में अलग अलग जगह पे, तो उनके साथ साथ उनके बच्चे, उनकी फैमिली की भी कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती है. कि आपके बच्चों का स्टैंडर्ड, टीचर भी चेंज होती है तो हम लोग एक डिफिकल्टी फील करते हैं वो बच्चे को अडाप्ट करने में. इन बच्चों की तो पूरा पूरा प्लेस, पूरा पूरी स्कूल ही चेंज हो जाती है. तो इमेजिन हाउ दे मस्ट बी अडेप्टिंग इट. इट इज मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर डेफिनेटली. बट किसी की अगर डेथ भी होती है ना मिलिट्री में, एक इमोशंस जो जुड़े हैं उनके
कंट्री को लेके वो हम लोग कभी फील ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द प्रोसेस दे गो थ्रू, कि अगर एक डेथ भी होती है ना तो दे हैव नेक्स्ट मेंबर स्टैंडिंग टू फिल दैट प्लेस. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो इन द आर्मी एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंड ही फील्स टू डाई फॉर द कंट्री. तो वो जो एक फीलिंग है ना, उसके लिए आज ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि वो वहाँ पे खड़े हैं, इसीलिए आज आप यहाँ पे सेफली रह पा रहे हो. फील ग्रैटिट्यूड फॉर देम. उसके अलावा अगर आपने ये मूवीज देखी है, नहीं भी देखी है, तो आज आप जाके देखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रंट फील्ड में वर्क कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिडनली हमारे कंट्री को सेफगार्ड करने के लिए वर्क कर रहे हैं, और विदाउट उनके ना उनको सिग्निफिकेंस मिल रहा है, ना आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है, फिर भी वो कॉन्स्टेंटली हमारे लिए वर्क कर रहे हैं विद द फीलिंग ऑफ दैट ना फीलिंग टुवर्ड्स द कंट्री कि हम लोग कुछ सर्व कर रहे हैं. आप ही सोचिए कितनी सर्विस वो आपको दे रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में दे डिजर्व दैट ग्रैटिट्यूड फ्रॉम यू. तो टुडे इज द डे टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर दोज पर्सन्स ऑल्सो. जैसे हम लोगों ने देखा इतने सारे लोग हैं, इनमें से शायद मैंने कुछ कुछ लोगों के नाम भी नहीं लिए, और जो आपको पता है टुडे इज द डे टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर देम. बहुत बार हमारे जो ना गांव में जो लोग रहते हैं वो कोई ना कोई वे में हमारे सिटी के लोगों को सपोर्टिंग होते हैं, और जो सिटी के लोग हैं वो गांव के लिए सपोर्टिंग रहते हैं. तो वी आर कॉन्स्टेंटली, वी आर अ सोसाइटी जिसमें हर पर्सन एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर पर्सन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. हमको भी आज उनकी इतनी ही नीड है, और उनको भी हमारी इतनी नीड है. तो बी ग्रेटफुल दैट they are serving you, be grateful that they are helping you, be grateful ki wo aapki life ko easy bana rahe hain, be grateful to each and every community helper around you kyunki wo aapki life ko itna zyada comforting aur easy bana rahe hain. Today in our challenge 9 main aapko 5 tasks dungi jisse aap unko ek gratitude express kar paoge. First, jaise main aapko journey se leke gayi hu, waise hi aap apne life mein journey mein peeche jaiye aur aap yaad kijiye ki aise kaun se log aapke life mein involved the jisne aapke life ko easy banaya hoga, jisne aapke life ko aur comforting aur skillful aur knowledgeable. कोई ना कोई लोग तो आपके आजू बाजू के होंगे जो आपको याद होंगे, जिनके शायद आपको नाम भी पता नहीं है, बट एक लिस्ट बनाइए. और जब आप लिस्ट बनाते हो तभी एक मोमेंट लीजिए, द मोमेंट टू थैंक देम. अभी देखो हम सब लोग एक एनर्जी फील्ड में रह रहे हैं. पिछले 8 दिनों से हम लोग कॉन्स्टेंटली यही फील कर रहे हैं कि फूड में एनर्जी है, वाटर में एनर्जी है. आप थैंक यू बोलते हो तो एनर्जी क्रिस्टल चेंज होते हैं. आप सोचिए अगर आप लिस्ट बनाते वक्त उनको याद करके एक मोमेंट ऑफ थैंक यू भी फील करते हो ना, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे उनके लाइफ में भी उसका इफेक्ट दिखने ही वाला है. सो फील दैट ग्रैटिट्यूड. एक जेन्यून थैंक यू अंदर से उनको बोलिए आज जब आप वो लिस्ट बनाओगे तभी. उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको ये करना है कि आपके आजू बाजू जो कम्युनिटी हेल्पर है उनको जाके मिलिए, उनके साथ एक कन्वर्सेशन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो सुनिए. और फिर आपको जब एक अंदर से एक्सप्रेशन आएगा ना कि कितने स्ट्रगल में ये लोग रह के भी सोसाइटी को किस वे से सर्व कर रहे हैं, तो आपको एक अंदर से एक एक्सप्रेशन आएगा ग्रैटिट्यूड का. देन थैंक देम, फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम. उनके साथ एक फोटो निकालिए और ग्रुप में पोस्ट कीजिए. वो लोग आपके घर में भी काम करते हुए हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फूड के सेक्शन में मैंने आपको बोला था कि आपके कुक को थैंक करना, राइट. उसके अलावा आपके गार्डनर को थैंक करना जो आपके घर को ग्लोरीफाई करता है. तो आप ऐसे कोई लोगों को जो आपके घर में ही काम करते हैं आप उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हो. आपको उन लोगों को ग्रैटिट्यूड देना जो आपके नेबरहुड में, कोई वॉचमैन है, कोई कॉबलर है, कोई सब्जी वाला है, कोई ना मिल्कमैन है, या कोई पार्सल लेके आया है. आप उनको एक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हो. आप उनके लिए सिंपली एक चाय बना के उनको ग्रैटिट्यूड फील करवा सकते हो, और उनके साथ एक फोटो निकाल के आपको ग्रुप में डालनी है. उसके बाद आपके जो फ्रीक्वेंटली आप जिनसे बात करते हो ना कम्युनिटी हेल्पर, जैसे डॉक्टर हो गया आपका, या समझो आप कोई फील्ड में हो जैसे आर्मी के, या आप उनको जानते हो, तो उनके साथ पुलिस पर्सन के साथ, आप ट्रैफिक पे कोई पुलिस पर्सन खड़ा है, आप उनको जाके भी थैंक यू बोलते हो ना, तो तुरंत आप उनके डे में एक शिफ्ट ला रहे हो. तो टेक दैट मोमेंट, थोड़ा घर से बाहर निकलिए और उन लोगों के लिए भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके आइए. आप सिंपल एक चॉकलेट या पानी की बॉटल भी लेके जाते हो ना बस स्टॉप पे आपके जो प्लेस में है, और आप उनको थैंक यू बोलते हो ये सब कुछ देके, तो आपको जो वो एक्सप्रेशन उनसे मिलेगा ना वो प्राइसलेस एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए. क्योंकि ये टास्क मैंने खुद ने किया है ना, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि उसके लिए वो इतना हैप्पी मोमेंट था जब मैंने उसको एक पानी की बॉटल या ड्राई फ्रूट का बॉक्स दिया, तो इमीडिएट उसके जो इमोशंस में जो शिफ्ट आया था ना वो मेरे लिए आज तक का प्राइसलेस मोमेंट है. क्योंकि बस कंडक्टर को जब वो दिया तो
तुरंत उसने अपने बैग में रख लिया, आप सोचिए उसने घर जाके अपने बच्चों से शेयर किया होगा, तो कितनी हैप्पीनेस आप स्प्रेड कर सकते हो एक सिंपल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड से। तो जितना आप ये एक्टिविटी को एंजॉय करोगे ना, उससे ज्यादा वो लोग एंजॉय करेंगे। तो एक वे आउट ढूंढिए, एक थोड़ा सा घर से बाहर निकल के ऐसे लोगों को ढूंढ के उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा ये टास्क करके। फिर देखिए वी ऑल आर कनेक्टेड, जैसे मैंने आपको बोला ना, जितना आपको उनकी नीड है उनको भी आपकी नीड है। तो गो आउट, उनको वो जो उनकी नीड है वो सेटिस्फाई कीजिए, उनको एक ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन दीजिए, उससे भी उनकी नीड बहुत कम हो जाएगी। वी ऑल, जैसे मैंने बोला ना, साइकोलॉजी में एक रिसर्च हुई थी, वी ऑल डिजर्व वन थिंग फ्रॉम एवरीवन, दैट इज द रिस्पेक्ट। दैट इज वो रिस्पेक्ट आप उनको दे सकते हो एक ग्रैटिट्यूड का एक्ट करने से, ग्रैटिट्यूड फील करने से। थर्ड पार्ट है हमारी जो टीचर, जो कॉन्स्टेंटली हमको मोल्ड कर रही है, राइट, कॉन्स्टेंटली हमारी लाइफ में एक डिफरेंस ला रही है। हम सब लोगों के पीछे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे घर के आपका कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी आपको कुछ सिखाता है, आपके बड़े घर में हो जो होगी वो भी आपको कुछ सिखाते हैं। एक टीचर तो आपको सिखाती ही है, आपके गाइड हो गए, आपके हीलर्स हो गए, आपके स्पीकर्स हो गए, या जो भी आपको कोई ना कोई वे में, इनफैक्ट वैसे भी लोग जिसने आपको हर्ट किया है, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको बर्डन देते हैं, जो आपको इरिटेट करते हैं, वो लोग भी आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं। एवरीवन इन योर लाइफ इज देयर टू टीच यू समथिंग। तो वो लेसन जो आपने उनसे सीखा है ना, उसके लिए आज ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में काफी सारा शिफ्ट आया है। लुक, वी ऑल आर कनेक्टेड। मैंने जैसे आपको बोला, अगर आप खाना खाते हुए ग्रैटिट्यूड देते हो, तो इनडायरेक्टली जैसे आप खाने के लिए पैसे पे करते हो, राइट, तो उसका एक फ्रैक्शन वो फार्मर तक पहुंचता है। वैसे ही अगर आप खाना खाते वक्त भी ग्रैटिट्यूड देते हो, तो इनडायरेक्टली वो एनर्जी का एक फ्रैक्शन उसको भी कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। आप ही सोचिए, एक पर्सन ऐसा है जिसकी लाइफ में काफी सारे वो एफर्ट्स ले रहा है बट काम नहीं हो रहा है, पर एक पर्सन ऐसा है कि बिना एफर्ट्स के ही उसका काम अच्छे से होते जा रहा है। यू विल से इट इज हिज कार्मिक पैटर्न। बट फिर भी आप सोचिए कि एक ग्रेस लगता है, एक जो हम लोग बोलते हैं ना, कर्मा में ही आपकी ग्रेस लगता है, कि जिससे आपके काम बहुत ईजिली हो जाते। तो दिस इज दैट ग्रेस। अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हो ना सामने वाले को, तो इनडायरेक्टली इट एड्स टू हिज ग्रेस, और उसका काम बहुत ईजी हो जाता है। सिमिलरली आपके ग्रेस में भी वो एड हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी को हैप्पी किया, तो आप इनडायरेक्टली एक्सचेंज कर रहे हो ग्रेस का। यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन यू रियलाइज। आपका एक सिंपल एक्शन ऑफ ग्रैटिट्यूड कभी किसी की लाइफ में कहीं पे काम आ रहा होगा। That energy is working. Since last 9 days, हम एक दूसरे को यही realize करवा रहे कि everything is energy. तो जब आप ये एक act of gratitude करते हो ना, तो indirectly आप एक energy liberate करते हो surrounding में indirectly, और वो energy कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जाके help करने वाली है। So take that moment and feel gratitude toward this. आप सोचिए, जैसे मैंने आपको थर्ड एक्ट बोली कि आपको थर्ड पार्ट में क्या करना है, आपको आपके टीचर को कॉल करना है, कोई भी जो आपकी फेवरेट हो, या किसी को आपने कांटेक्ट नहीं किया हो, या आपके पास समझो नंबर नहीं हो, तो आप कहीं से निकाल के उनसे बात कीजिए, या उनको मैसेज भेजिए और थैंक हर फॉर गिविंग यू दैट नॉलेज, दैट स्किल, टू इक्विप यू विथ ऑल दिस थिंग विच यू आर, जिसकी वजह से आज जो आप हो वो बने हो। जैसे आप याद कीजिए, जो फर्स्ट टाइम आपने कभी अभी बच्चों को भी देखा होगा आपके या आपके सराउंडिंग में, वो जब फर्स्ट टाइम लिखते हैं ना, तो वो एक ए सीखने में उनको 5 दिन जाते। आप सोचिए वो टीचर ने कितने पेशेंस रखे होंगे, कितना हैप्पीली विद स्किलफुली उसने आपको सब कुछ सिखाया, जो आज आप इजीली सब कुछ लिखते हो, नंबर्स कैलकुलेट करते हो, बड़ी बड़ी चीजें करते हो, बट दैट वन स्टैंडिंग लाइन विच शी हैज स्टार्टेड यू विद, जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ के आपको वो सिखाया होगा, उस मोमेंट को याद कीजिए एंड फील ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर टीचर्स ऑफ योर्स, क्योंकि वो एक लाइन आपको आई ना, इसीलिए आज आप जो हो आज उन्हीं की वजह से हो। सो टेक दिस मोमेंट टू थैंक हर फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारे टीचर्स हमारे लिए एक हीरो की तरह थी, राइट, बट जब हम लोग स्कूल छोड़ देते हैं, हम लोग उनसे दूर हो जाते हैं, लाइफ में हम लोग अलग अलग सिचुएशन फेस करते हैं, तो हम वो पर्सन को भूल गए, बट कहीं ना कहीं पे वो टीचर्स की वजह से ही, जो आपके घर में रिपेयरिंग का अगर कोई पर्सन आता है, तो वो उसकी भी कोई टीचर होगी, राइट। हर पर्सन का अपना एक टीचर है, जिससे वो स्किल्स सीख के यूटिलाइज कर रहे, तो वो स्किल्स की वजह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है। तो इनडायरेक्टली वो टीचर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है।
तो टुडे इज द डे टू थैंक योर टीचर, टेक दैट मोमेंट. वो कम्युनिटी हेल्पर सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे कम्युनिटी का, दैट इज आर टीचर. तो टुडे टेक दैट मोमेंट एंड फील दैट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, और उनको वो कम्युनिकेट कीजिए बाय कॉलिंग हर, टेक्सटिंग हर, एक वीडियो कॉल करके, और उनके साथ आपका एक फोटो निकाल के ग्रुप में शेयर कीजिए और आपके एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए उसके साथ. दिस वॉज आर थर्ड टास्क फॉर टुडे. और फोर्थ टास्क में आपको क्या करना है, पे इट फॉरवर्ड. पेड फॉरवर्ड यानी क्या, जैसे हमने घर को रिटर्न गिफ्ट दिया, क्लोथ्स को रिटर्न गिफ्ट दिया, राइट, वैसे ही अपने ये कम्युनिटी हेल्पर्स को भी कुछ एक रिटर्न गिफ्ट दीजिए. अभी वो रिटर्न गिफ्ट क्या होगा, फोर्थ टास्क में आपको ये करना है, डू इनसिग्निफिकेंट एक्ट ऑफ काइंडनेस विच विल समहाउ हेल्प द कम्युनिटी वर्कर अराउंड यू एंड पोस्ट अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू डिड. देखिए इनसिग्निफिकेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कुछ कीजिए, एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट एक्ट कीजिए काइंडनेस का जो हेल्प करेगा ये लोगों को, कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल आपके घर के बाहर अगर मटका भी रखते हो ना तो उनके लिए वो एक जगह बन जाएगी कि जहां से वो पानी पी सके. अगर आप सिंपली किसी को जाके, जैसे ना एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या कर सकते हो कि आपको जो भी नॉलेज आ सकती है आपने गेन किया है, वो कोई कोई वे में आप सीखे हो अलग अलग चीजें, वो आपके घर में मेड आती है, आप उनके बच्चों को सिखा सकते हो, आप उनके लाइफ में कुछ सिचुएशन अगर वो फेस कर रहे हैं तो आप छोटी सी उनके लिए काउंसिलिंग भी करते हो ना, या आप उनके बच्चों को स्कूल जा रहे हैं तो आप सिंपल एक पेंसिल भी देते हो ना, या आप उनके लिए चाय भी बनाते हो जब वो घर में आते हैं, तो इनडायरेक्टली यू आर एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड. जब आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, जैसे एक सिंपल एक्ट आप क्या कर सकते हो कि वो आपको अपनी लाइफ की कुछ सिचुएशन सुना रहे हैं. और कॉन्स्टेंटली हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे फोन पे या हमारे वर्ल्ड में बिजी रहते हैं, तो बी अ एक्टिव लिसनर. मैंने जैसे बोला सोसाइटी में सबसे ज्यादा नीड अगर हमको किसी की है वो है रिस्पेक्ट की. तो जब आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उनको वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनको वो ग्रैटिट्यूड दे रहे हो. मेक आई कॉन्टैक्ट विथ हर और सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, दैट विल बी ऑल्सो अ गिफ्ट फॉर हर. वन मेथड ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड टू द पीपल इन योर लाइफ इज टू बी अ एक्टिव लिसनर. या तो जैसे सिंपल रूल्स जो गवर्नमेंट आपको देता है, लाइट बंद कीजिए, नल बंद कीजिए, गीला सूखा कचरा अलग डालिए, तो जब आप ये सारी चीजें करते हैं ना तो आप उनका काम का लोड कम करते हो. आप सिंपली अगर टाइम से अपने डॉक्टर्स को आपकी रिपोर्ट सेंड करते हो, अगर सिंपली आप पुलिस पर्सन के जो वो सेफ गाड़ी के रूल्स है, जो आप सिग्नल पे रुक जाते हो, या तो फिर आप रूल्स तोड़ते नहीं हो, आप अपनी प्लास्टिक बॉटल आपके कचरे के डब्बे में ही डालते हो, गाड़ी के बाहर नहीं फेंकते हो, तो आप इनडायरेक्टली ये सारे कम्युनिटी हेल्पर्स का थोड़ा सा लोड कम कर रहे हो. तो दिस कैन ऑल्सो बी योर काइंड एक्ट ऑफ काइंडनेस. डू शेयर कि आपने क्या किया. उसके अलावा जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो बात करते हैं उनसे, किस वे से बात करते हैं, कितना रूडली या पोलाइटली हम लोग उनसे बात करते हैं, अगर उसमें आप शिफ्ट ला सको तो भी वो उनके लिए एक एक्ट ऑफ काइंडनेस हो जाएगा. जब आप टैक्सेस पे करते हो, जब आप पेट्रोल के लिए प्राइसेस के लिए चिड़चिड़ करते हो, कंप्लेन करते हो, तो इनडायरेक्टली आप सोचिए सब कुछ अगर एनर्जी है तो आप जब वो पैसे पे करते वक्त आप एक चिड़चिड़ और खराब वाइब की एनर्जी के साथ वो पैसे देते हो, तो पैसे जो आप टैक्सेस में पे कर रहे हो वो कहीं ना कहीं हमारे सोल्जर्स तक जाने वाला है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिशियन तक जाने वाला है जो अच्छे भी काम कर रहे हैं हमारे लिए. तो आप ही सोचिए जो वाइब्स के साथ, जैसे कल हम लोगों ने मनी के सेक्शन में सीखा है कि जो वाइब के साथ आप देते हो या पैसों को लेते हो तो वो बहुत मैटर करता है कि वो आपके लिए किस वे में वर्क करेंगे. आप ही सोचिए अगर आप ऐसे वाइब्स के साथ पैसे दे रहे हो तो आप किसको अफेक्ट कर रहे हो, और वो डिजर्व करते हैं क्या ये आपका इतना नेगेटिविटी. तो टुडे जब आप कम्युनिकेट करते हो, आप पैसों को लेके जो भी कम्युनिकेशन करते हो, जब ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है, आज आप जैसे नहीं किसी के साथ जाके बार्गेन करते हो, आप चीजों को सस्ते में मांगते हो, वो आपके 10 रुपए से अंबानी नहीं बनने वाला है, उसके लाइफ में बस थोड़ी सी ही ग्रोथ होने वाली है. तो जब आप घर से बाहर जाके दान नहीं दे सकते ना, तो एटलीस्ट आप किसी से बार्गेन मत कीजिए, तो वो उनके लिए एक एक्ट ऑफ काइंडनेस हो जाएगा. तो आप ऐसे सिंपल सिंपल चीजें करके भी उनको पे बैक कर सकते हो उनके सर्विसेज के लिए. तो फील ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल एंड डू दिस सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर देम. इंस्टेड शेयर द लव बाय गोइंग आउट ऑफ योर वे एंड डूइंग समथिंग नाइस फॉर समवन एल्स. रादर जो ना घर में ही मैं तो करता ही हूँ, मैं तो मेड से ऐसा ही करता हूँ, मैं तो उनको ऐसा ही दे रहा हूँ, तो अगर आप ये करते हो ना तो टेक द नेक्स्ट स्टेप.
आप घर के बाहर जाइए, आप बाहर के लोगों जो कम्युनिटी हेल्पर है उनके लिए कुछ कीजिए। जब आप सेम चीज अपने लाइफ में करते रहोगे ना तो आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा थोड़ा बाहर जाके उनको और हेल्प करोगे ना और उनकी लाइफ इजी बनाओगे तो आपको भी अपनी लाइफ में उतना ही शिफ्ट दिखेगा। एंड आपने निकलना ही चाहिए बिकॉज सम वे यू आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन देम, आपको भी उनकी नीड है। तो टेक वन स्टेप फर्दर, आप निकलिए घर से बाहर, उनको एक्सप्रेस कीजिए ग्रैटिट्यूड, उनको एक छोटा सा चॉकलेट दीजिए, तो देखिए आपको कितना एक्सप्रेशन में शिफ्ट मिलता है। व्हेन समवन डज समथिंग नाइसर, जैसे कोई कचरा उठाने वाला है आपके घर पे, वो आपके घर से कचरा उठा के लेके जाता है, तो आप थोड़ी उसके घर पे जाके रिटर्न में उसका कचरा उठा के लाओगे, आप वो नहीं कर सकते, राइट? तो बट आप अगर सेम चीज नहीं कर सकते तो आप रीपे करो कुछ दूसरे वे से। तो रीपे कैसे कर सकते हो, आप सिंपल छोटा सा एक गिफ्ट दे सकते हो, आप चॉकलेट दे सकते हो, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो, आप पानी की एक बॉटल उनको दे सकते हो, आप ऐसी सर्विस बना के रख सकते हो कि वो आपके घर के बाहर से पानी पी सके, ठीक है? अगर आप वैसा नहीं करना चाहते, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है आप कुछ दान में चीजें दीजिए। जैसे हम कल किया था कि घर का लोड आपको कम करना है, जो आप चीजें यूज नहीं करते हैं उनको आप डोनेट कर सकते हो, आप खाना डोनेट कर सकते हो। हाउ कैन यू पे इट फॉरवर्ड, द ऑप्शंस आर एंडलेस। मैं कुछ ऑप्शंस आपको बता रही हूँ, आपके पास भी कुछ ब्यूटीफुल ऑप्शंस होंगे, आपने कुछ किए होंगे, डू पोस्ट पिक्चर्स ऑफ इट, आप मोटिवेट कीजिए दूसरे को कि किस वे से रीपे कर सकते हैं सोसाइटी को, इन कम्युनिटी हेल्पर्स को। द आइडिया बिहाइंड पेइंग इट फॉरवर्ड इज सिंपल, बहुत सिंपल है, छोटा सा ही काम करना है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ एक थॉट भी चेंज करते हो पैसे देते वक्त, तो इनडायरेक्टली दैट इज एक्ट ऑफ काइंडनेस। बट ये सिंपल एक्ट आपका बहुत इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंस रखता है वो लोगों के लिए। स्टोरी आपको बताती हूँ एक छोटे बच्चे की, जो अलग अलग चीजें करता था ताकि वो पैसे कमा सके। उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो एक दिन एक पार्सल लेके एक लेडी के घर पे गया, बट वो पिछले 3 दिन से भूखा था। तो उसने वो लेडी को बोला कि प्लीज क्या आप मुझे पानी दे सकते हो, बट वो लेडी ने उसकी हालत समझते हुए क्या किया, उसने पानी की जगह पे उसके लिए वो मिल्क लेके आई। वो मिल्क को देख के बच्चा एकदम खुश हो गया, बट उसने लेने से मना कर दिया कि बिकॉज आई के नॉट पे फॉर दिस, बट द लेडी वॉज नहीं नहीं आप ले लो, आप पी लो, इट्स ओके। तो जब वो बच्चे ने वो दूध पिया, उसकी 3 दिन की भूख तो मिटी गई, उसके साथ साथ वो बहुत खुश हो गया और वो वहां से चले गया। कुछ साल गुजर गए, उसके बाद वो लेडी एक दिन बड़ी, कुछ साल यानी 20-25 साल गुजर गए, उसके बाद वो लेडी बहुत बीमार पड़ी। उसके रिलेटिव्स ने उसको हॉस्पिटलाइज किया, वहां पे एक डॉक्टर ने उसका बहुत ध्यान रखा, बाकी नर्सेस ने भी उसका बहुत ध्यान रखा। विद इन वीक्स वो बेटर हो गई। फिर उसने एक नर्स को बुलाया और उसको बोला कि मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे बेटर किया है, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है बिल पे करने के, तो प्लीज आप मेरे को डिस्काउंट दीजिए, आप मेरे लिए वो बिल को कम करवाइए और मुझे पहले से बिल बताइए ताकि डिस्चार्ज लेते वक्त वो मैं बिल पेमेंट का कुछ अरेंजमेंट कर सकूँ। तो जब वो लेडी ने, जो नर्स ने उसको बिल हाथ में दिया, तभी वो लेडी देख के उसको शॉक हो गई बिकॉज द बिल वॉज कैंसल्ड एंड पेड। पेड किस फॉर्म में, तो उसने नीचे जब पढ़ा, पेड इन फुल इयर्स एगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। जो डॉक्टर उसका ध्यान रख रहा था वो डॉक्टर वही बच्चा था जिसको उसने वो टाइम पे दूध दिया था जब उसने पानी मांगा था। तो ये बच्चे ने उसका, ये डॉक्टर ने उसके बिल को कैंसिल कर दिया और वहां पे लिखा हुआ था पेड इन फुल इयर्स एगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। आई डोंट नो कि आपका जो आज का एक्शन, एक्ट ऑफ काइंडनेस आपको रीपे होगा या नहीं। ये स्टोरी सिर्फ इतना बताती है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि आपको नहीं पता आपका एक्ट ऑफ काइंडनेस किसकी लाइफ में कितने चेंजेस लाता है, प्लस आपको ये भी नहीं पता कि आज आपका एक्ट ऑफ काइंडनेस आपकी लाइफ में किस वे से रिटर्न आने वाला है। सो इट विल एड टू योर ग्रेस ऑल्सो और सामने वाले के ग्रेस ऑल्सो। सो डू सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस टूडे and make them experience the feeling of gratitude. Express your gratitude towards your community helpers around you, जो आपके life को easy बना रहे, comfortable बना रहे। अभी ये तो आज आप करोगे, but इसको incorporate कैसे करोगे, क्योंकि helpers तो day in and out, सुबह से लेकर रात तक हमको अलग अलग way में help कर रहे, right? How exactly can you incorporate this practice into daily life? तो simply आपको point क्या करना है आज के task में, आपको एक तो आपके घर के जो दरवाजा है उसके पास एक reminder लगाना है। फिर वो रिमाइंडर आप एक स्टोन के फॉर्म में भी रख सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड स्टोन। ग्रैटिट्यूड स्टोन, ये कॉन्सेप्ट आपको द सीक्रेट मूवी में अगर समझनी है तो और अच्छे से समझेगी, बट सिंपली अगर आप कोई भी स्टोन लेते हो
आप उसको डेकोरेट करते हो, आप उसके ऊपर कोई थॉट लिखते हो, कोई शेप्स बनाते हो और वो आप कहीं पे भी रखते हो और जब भी आप उसको देखते हो आपको ग्रैटिट्यूड देने का रिमाइंडर आता है दिमाग में, तो इनडायरेक्टली दैट स्टोन बिकम्स अ ग्रैटिट्यूड स्टोन फॉर यू। तो आपको आज के टास्क में का क्या करना है, आप छोटे से कुछ स्टोन्स कलेक्ट करके उनको पेंट करके उसके ऊपर कुछ इमेजेस, कुछ थॉट्स लिख के आपके दरवाजे पे रख सकते हो, या तो फिर आप अपने दरवाजे मेन डोर के पीछे कुछ स्टार्स चिपका सकते हो, जो स्टार्स के ऊपर आपको कोई भी एक अफर्मेशन लिखना है जिससे आपको रिमाइंडर आएगा टू फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दिस हेल्पर्स। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आपके हेल्पर्स आपके डोर पे आते हैं, तो जब भी आप वो डोर खोलो उनके लिए, तो जब भी आपको ये चीजें दिखे तो इनडायरेक्टली यू हैव अ रिमाइंडर टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर देम। और जैसे धीरे धीरे बार बार आप ये करोगे ना, तो आपके एटीट्यूड में ही वो ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, राइट? तो इनडायरेक्टली वो वाइब्स उनको हेल्प करेगी, इनडायरेक्टली आप कम्युनिटी को बेटर बनाने के लिए आपका ये छोटा सा एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आएगा। तो डू द स्टार्स और ग्रैटिट्यूड स्टोन आप प्लेस कीजिए अपने दरवाजे की तरफ, और जब भी कोई हेल्पर आपको मिले तभी आपको ये रिमाइंडर देगा टू फील ग्रैटिट्यूड। आप स्टार्स पे कैसे अफर्मेशन लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम बीइंग सर्व्ड ईच डे बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग सो मेनी सर्विसेज इन माय नेबरहुड, आई एम ग्रेटफुल दैट ईच वन इज सर्विंग मी विद हिज फुल हार्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर द सर्विसेज आई एम गेटिंग, है ना। छोटे छोटे आपको जो भी पसंद है वो एक अफर्मेशन लिख सकते हो ताकि वो आपको एक रिमाइंडर दे टू फील ग्रेटफुल। So this is our challenge 9, to feel gratitude towards things that na people that gives you comfort and security and helps you around. So first part में आपको क्या करना है, आपको भी आपकी life की journey में पीछे जाना है, आपको याद करना है ऐसे लोगों को जिनको आपको gratitude देना है, जिसने कोई ना कोई way में आपको serve किया है, आपको help किया है, community helper है, आपके life में कुछ difference लाया है, तो उनकी एक list बनाइए। भले आपको उसका नाम नहीं पता हो but उन्होंने जो service की है वो तो आपको याद है, अब वो service को लिख के उनको याद करके एक moment दे के फील genuinely grateful for them, राइट? ये फर्स्ट टास्क था। सेकेंड टास्क में आपको थैंक करना है कोई भी हेल्पर को, फिर वो आपके घर का कोई हेल्पर हो, फिर आपको सेकेंड हेल्पर को ऐसा ढूंढना है जो आपके नेबरहुड में हो, फिर वो कॉबलर हो, वेजिटेबल वेंडर हो, मिल्कमैन हो, पोस्टमैन हो, पार्सल देने वाला हो, कोई भी, उसको एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए ग्रैटिट्यूड, उसके साथ फोटो निकालिए और ग्रुप में डालिए। और आपको एक स्टेप फॉरवर्ड भी होना है इस एक्टिविटी में, आपको कोई ऐसे कम्युनिटी हेल्पर को जिससे आप फ्रीक्वेंटली बात करते हो तो आप उनको अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो, उनको एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हो, और उनके साथ जो आपको फील हुआ ग्रैटिट्यूड देने के बाद उसके एक्सपीरियंस के साथ आपके फोटोग्राफ को ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। ये था सेकंड टास्क। थर्ड टास्क में आपको आपके टीचर को कॉल करना है, मैसेज करना है, एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड फॉर द नॉलेज एंड स्किल्स उन्होंने जो आपको दिए है उसके लिए आपको उनको ग्रैटिट्यूड देना है, राइट? तो आप वो आपके टीचर के साथ आपकी इमेज को, अगर आपने वीडियो कॉल किया है तो, या तो मैसेज को या आपकी एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा उनको ग्रैटिट्यूड देने के बाद। फोर्थ, आपको कोई भी छोटी सी एक इनसिग्निफिकेंट एक्ट ऑफ काइंडनेस करनी है या थॉट आपने जो दिया है उसको आप कम्युनिटी में हमारे साथ शेयर कीजिए, उसकी पिक्चर्स को आप पोस्ट कर सकते हो, आपको कैसा फील हुआ वो एक्ट ऑफ काइंडनेस करने के बाद वो जरूर शेयर कीजिए। अगर उससे रिलेटेड कोई फोटो है तो आप उसको भी ग्रुप में शेयर कर सकते हो। फिर फिफ्थ, आपको करना है ग्रैटिट्यूड स्टोन या स्टार जो आपको रिमाइंडर देगा कि आपको रोज ग्रैटिट्यूड फील करना है आपके कम्युनिटी हेल्पर्स के लिए, आपके जो पीपल अराउंड है उनके लिए, जो आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं, कंफर्टिंग बनाते हैं, राइट? तो दिस आर 5 पार्ट्स ऑफ आर चैलेंज 9। आप ये चैलेंजेस को कीजिए, इनको ग्रुप में डालिए। ये चैलेंजेस करने से होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। रिसर्च हैज प्रूवन दैट शोइंग ग्रैटिट्यूड मेक्स अस हैप्पियर, स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव्स आवर फिजिकल हेल्थ। समझ में आया? इनडायरेक्टली जैसे जैसे ये एक्टिविटी में आप आगे जा रहे हो, आप अपने आप को तो बेटर बना रहे हो, आप खुश बना रहे हो, खुद को स्ट्रांग बना रहे हो, सराउंडिंग के रिलेशनशिप के साथ आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, इनडायरेक्टली आपके हेल्थ में भी आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट फार यू हैव कम एंड हाउ मच यू हैव लर्न। आज एक एक्सप्रेशन दीजिए कि ये जर्नी में आप कितना कुछ सीखने मिला है, आप उस सब चीजों को अप्लाई कीजिए, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग खुद के लिए लीजिए क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो, आप सारी चीजों को कर रहे हो, आप एक्टिविटी को सारे कर रहे हो। एंड एज यू वर्क टूवर्ड्स बीइंग मोर ग्रेटफुल योर कैरेक्टर विल इम्प्रूव। धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके कैरेक्टर में वो चेंजेस आ रहे हैं, आपके एटीट्यूड में ही ग्रैटिट्यूड आ रहा है। आपने अगर ये 8 days में एक्सपीरियंस किया होगा, इनडायरेक्टली आपका मूड शिफ्ट हो रहा है, आप छोटी छोटी चीजों को
थैंक यू बोल रहे हो, राइट, तो इनडायरेक्टली आपका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो वो आपको फील होगा, आपकी फैमिली को फील होगा, सबसे इम्पोर्टेंटली जो आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो आपके छोटे बच्चे हैं ना, वो आपके वर्ड्स को नहीं फॉलो करते हैं, वो आपके एक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो उन पे भी होगा. रिफ्लेक्टिंग ऑन योर जर्नी इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू हेल्प यू रियलाइज हाउ मच यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर. यानी जब आप रिफ्लेक्ट करते हो आपकी इमेजेस को कम्युनिटी में पोस्ट करके, जिसपे आपको लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, राइट, तो दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस कि आपको कितना मजा आ रहा है ये जर्नी में, आपको कितना कुछ है ग्रेटफुल फील करने के लिए. आज ये एक चीज डालते हो तो आगे की और पूरी साइकिल शुरू हो जाती है टू फील ग्रेटफुल. जब आप एक एक पोस्ट डालते हो ना, तो इनडायरेक्टली इट मेक्स यू रियलाइज कि कितना कुछ है आपके लाइफ में कि जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक ग्रेटफुलनेस का एटीट्यूड कैरी कर सकते हो, आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो. सो ग्रैटिट्यूड शुड बी इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल पार्ट ऑफ आर लाइफ. हमने ये ग्रैटिट्यूड को हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल पार्ट बनाना चाहिए, बिकॉज ये इतना कुछ हमारे लिए कर रहा है कॉन्स्टेंटली. आपको एक मैं एक वीडियो बताना चाहती हूँ कि जिससे आपको समझ में आएगा जो मैं आपको अभी बोल रही हूँ ना, कि वो किस वे में आपको हेल्प करता है. This is a beautiful video. इसको देख के आपको समझ में आएगा कि आपको ग्रैटिट्यूड की इस एक्टिविटीज को क्यों करना चाहिए. So I hope you enjoy this video. So that's all from my side. I hope कि आप भी अपने पॉकेट से वो हाथ निकालो और आज का ये टास्क करो, ग्रैटिट्यूड 9, डे 9, चैलेंज 9. एंड आई होप कि आप भी अपना एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड निकालो और घर से बाहर जाके फील ग्रैटिट्यूड फॉर द कम्युनिटी हेल्पर्स अराउंड यू और उनके पिक्चर्स को पोस्ट कीजिए एंड एन्जॉय कीजिए ये चैलेंज को. सो थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई एम डॉक्टर श्वेता भंडारी एंड आई एम सो वेरी हैप्पी टू शेयर एंड ग्रो विथ. Thank you so much.